आसा विच अत दुख घना, मनमुख चित लाया गुरमुख भय निरास सुख फल पाया। प्राचीन ऋषि मुनिया ने निराश होने का उदास होने का एक जो ढंग कढ़िया सी भी उजाड़ दे चले जाओ, बयाबान जंगल दे चले जाओ, ते उत्थे रहिंदिआं मन निराश होके उदास हो जाएगा। इस नाल गुरु नानक देव जी महाराज सहमत नहीं, इहदे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सहमत नहीं, इहदे नाल भगत कबीर भी सहमत नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सब कर समझो, मन ही माहे उलासा। उजाड़ दे जाने दी की लोड़े, सदन नो उजाड़ समझ। सदन कहते ने घर नो, बन से सदन, बन जैसा ही सदन नो समझ, घर नो ही उजाड़ समझ ले। की है तेरे घर दे, सिर्फ घर नो ही उजाड़ना, बन से सदन सब कर समझो, घर दे च जो कुछ भी है सब कुछ उजाड़ समझ ले। बड़े कठोर जिहा बचन लगन गए, पर मैं अर्ज करा, सिर्फ एक मनुख नू 15 दिन लई अपने घर दे च हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, भी तू नहीं जा सकदा बाहर किधरे, यकीन जानो घर उजाड़ बन जाएगा, घर दियां दीवारां खाण नू पैणगियां। बन से सदन सब कर समझो, मन ही माए उदासा। गुरु अर्जन देव जी ते कहिंदे ने, घर दी गल छड़ सारा, शहर ही उजाड़ है, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया। कहिंदे बहुत वड्डा शहर, महाराज कहिंदे ने बहुत वड्डी उजाड़, मनुख ते मनुख नालों टुटिया है, किसी का किसी नाल कोई मेल नहीं, किसी का किसी नाल कोई संबंध नहीं, किसी का किसी नाल कोई जोड़ नहीं। इसनों तो वड्डा शहर पिया कहना, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं बहुत वड्डी उजाड़। जैसे किसी नूं इस गल की समझ आ जाती है, सब कुछ तो निराश होता है। हुण मैं अर्ज करा, तीन साधन विद्वान मनते ने, तीन कारण टोटली निराश होने दे, उदास होने दे। प्रथम, बहुत गहरा सत्संगी होवे, गहरा सरोता होवे, बहुत गहराई नाल सुनन वाला होवे। जो गहरा सुनदा नहीं, उहदी समझ उच्ची भी नहीं हो सकती। जिस दरखत ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक लै जाना है, उहनूं अपनियां जड़ां पाताल दे च लै जाणियां। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकता, यकीन जानो दरख्त उपर भी नहीं उठ सकता। जो गहरा सरोता नहीं, उहदी समझ भी उच्ची नहीं होवेगी, कतई नहीं उच्ची। बोल उच्चे किस दे होणगे, समझ उच्ची किस दी होवेगी, जिहदी स्रोत बड़ी गहरी होवेगी, बहुत गहराई नाल सुणदा होवेगा। अगर गहराई नाल सुणदा है तो फिर गुरु दा शब्द चोट कर जाएगा। एक दिन का कीता होया जपजी साहब का जप इन्हों उदास कर देगा, निराश कर देगा। एक दिन की जपी हुई सुखमनी इन्हों निराश कर देगी, उदास कर देगी। क्यों? शब्द तीर की तरह लगेगा। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु वचन मन, तीर लगैया मन की बिरथा, मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया। कल इस पीर का मैं जिक्र किया, भगत कबीर जिस ढंग नाल इसनों बयान करते ने, ये भी सुन लो। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। सतगुर दी बाणी दा बाण ऐसा लग्या, तीर ऐसा लग्या, शब्द मन नू छोएगा, मन नू चोट करेगा। जितने चिर तक शब्द ने मन नू चोट नहीं की थी, समझ लो इसने सुनया ही नहीं है।
मन स्रोता बने, जबान वक्ता बने। जबान आखे वाहेगुरु वाहेगुरु, ये वक्ता बने। मन स्रोता बने, पर होंदा कि यह जबान भी वक्ता बनती है, मन भी वक्ता बनता है। मन हर वक्त बोलता है, नहीं चुप करता, ये सुनता ही नहीं। मन की सुन की आदत ही नहीं, कि जब सुनता ही नहीं तो शब्द मन का हिस्सा ही नहीं बनता। उखड़े उखड़े लोग अक्सर सत्संग दे बैठे होंगे ने, उखड़ उखड़ के लोग पाठ करते हैं, सुनना कठिन है। अगर कोई सुन लवे, महाराज कहते ने, दोहरा दें, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। कबीर कहते ने, गुरु का शब्द मैं की सुनया, गूंगा हो गया, मैं मिथ्या नहीं बोलता, कौड़ा नहीं बोलता, फिका नहीं बोलता, व्यर्थ नहीं बोलता, जबान तो गूंगा हो गया। जिन्नी पीड़ा हुई है तीर दे लगन नाल, मैं इन्हों भी बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। पर जितना रस आ रहा है, इस रस को भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। एको ही पीड़ा है, भगत चाहते ने बनी रहे बनी रहे, बाकी हर पीड़ तो मनुख छुटकारा चाहता है। जरूर थोड़े विचों जड़े कोई अभ्यासी होंगे तो शब्द चोट कर गया होगा, उदा एक अनुभव होंगे, परमात्मा तो नहीं मिलता तो ना सही, अपनी प्यास बनी रहन दे, अपनी तड़प बनी रहन दे, उदी ए उमंग पैदा हो जाती है, उदी ए तड़प आती है। इनू एक सूफी अमीर खुसरो इंज बयान करता है, या रब दुआए वसल ना हर गिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। हे प्रभु हे खुदा, हर वक्त मैनू तड़पण दे, दुआ करन दे, तेरे अगों मैं फरियाद करदा रवा, नहीं मिलदा ना मिल, कम से कम मैनू फरियाद करन दे। इस फरियाद दे च भी रस है, इस फरियाद दे च ही आनंद है। जद कभी कोई गहराई नाल अरदास करता है, प्रार्थना करता है, यकीन जानो उसे च भी आनंद है, उसे च भी रस है। इको एक पीड़ा है जिहदे च महा रस है। कबीर कहिंदे ने, मैं गूंगा हो गया, नहीं बयान कर सकता। गूंगा हुआ बावरा, बावरे तो मुराद पागल इत्थे नहीं है, बावरे तो मुराद भोला, भोला हो गया। भोला मनुख अंदरों बाहरों एक होंदा है, ये मैं अर्ज करता हूं। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है, जिन्हों बाबा फरीद इंज कहिंदे ने, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। औरंगजेब भी दो वक्त कुरान की तलावत करता है, पांच वक्त नमाज पढ़ता है, जुमा रात नू जकात देंदा है, रमज़ान दे महीने रोज़े रखता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, तुरा मन नादानम के यजदा शनास, श्री मुखवाक पातशाही दसवीं, तू तो खुदा शनास नहीं है, पखंडी है, झूठा है, फरेबी है, तेरा नमाज पढ़ना भी झूठ, तेरी कुरान दी तलावत भी झूठ, तेरे रमजान दे महीने च रखे रोजे भी झूठ। तू रामन नदानम के यजदा शनास, बराम इज्जत ओ का रहा दिल खराश, तू ओ कम कीते ने जेदे नाल लोगां दे दिलां नू खराश पहुंची है, तू लोगां दे दिलां नू चोट पहुंचाई है। रब नाल जुड़िया होया मनुख लोगां दे दिलां नू जोड़दा हुंदा है, तोड़दा नहीं हुंदा, तू ते कदम कदम दे उत्ते दिल तोड़े ने, तू पखंडी है, तू झूठा है, चलाक है, बाहरों कुछ होर पेश करदा है अपने आप नू, अंदरों कुछ होर। हमू मर्द बायद शबद सुख नवर, न शिकमे दिगर दरदहा ने दिगर, असी उसनों ही मर्द मनदे हां, मनुख मनदे हां, जो जबान दे च है वही दिल दे च है, जो दिल दे च है वही जबान दे च है। तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे च कुछ होर है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे है, ये कच्चे है। चलाक मनुख बारों कुछ होर आंदा है, अंदरों कुछ होर आंदा है।
हुण मैं अर्ज करां चलाक मनुख हो सकदा संसार विच बड़ी सफलता प्राप्त कर लवे लेकिन धर्म की दुनिया च पछड़ जाएगा। भोला मनुख धर्म की दुनिया च बहुत अगे लंघ जाएगा, हो सकदा संसार विच पछड़ जाए। ये भी मैं अर्ज करदा हां। भगत कबीर कहिंदे ने चतराई ना चतर भुज पाई। चतराइयां नाल नहीं मिलता, चलाकियां नाल नहीं मिलता। चतराई न चतर भुज पाइए, रे जन मन माधो सें लाइए। कहित कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगर। उते भोले भा नाल मिलता है। बावरा भोला कबीर कहिंदे ने ऐसा शब्द दा तीर लगे है, भोला हो गया, अंदरों बारों एक हो गया। ईरानी सूफी संत हाफिज कहिंदा है, सद जाओ फिदाए आ के जबानश दिलश यकेस्त। हजारा जिंदड़ियां उस मनुख तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां, जेदी जबान ते दिल एक है। जो कहिंदा है वही दिल दे च है, और जो दिल दे च है वही कहिंदा है। जो बाहरों है वही अंदरों है, जो अंदरों है वही बाहरों है। हर मनुख दे दो दो रूप ने। ये बाहरों मनुख दिखाई दे रहे, अंदरों नहीं। इस वास्ते असी किसी कुत्ते नूं नहीं कहिंदे भी यह कुत्ते तू कुत्ता बन जा, यह गऊ तू गऊ बन जा, ये शेर तू शेर बन जा, यह खोते तू खोता बन जा। ऐसा कहने की लोड़ नहीं, होते हैं नहीं खोते। पर रोज़ कहना पैंदा है बंदे तू बंदा बन जा, यह इंसान तू इंसान बन जा। क्यों? खोता खोते की तरह जी रही है, शेर शेर की तरह जी रही है, गऊ गऊ की तरह जी रही है, मनुख मनुख की तरह नहीं जी रहा। फिर किस तरह जी रहा? करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। कबीर कहिंदे ने भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, कन्ना तो भी बहरा हो गया, हुण मैं व्यर्थ सुनदा भी नहीं, फिजूल दे बोल मैं सुनदा ही नहीं, मैं गलत गल कन्न दे च अंदर जाने ही नहीं देंदा। देखो कोई साढ़े घर दे च कचरा सुट जाए, गंदगी सुट जाए, असी कहांगे असभ्य मनुख उहदे नाल लड़ भी सकदे हां। पर जो कन्ना दे राही गंदियां गल्लां साढ़े विच सुट जाए, असी बड़े शौक नाल सुनी है, नहीं फिर ये सावधानी नहीं है। कबीर कहिंदे ने मैं सावधान हो गया, मैं व्यर्थ दियां गल्लां सुनदा भी नहीं, गल खत्म। पाँव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान, इनू स्वामी रामानंद ने बसंत राग दे शब्द विच बड़े सोहणे ढंग नाल बयान कीता, ध्यान नाल सुनना। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो पंग। मेरा मन पिंगला हो गया, पैर टुट गए ने, इहदी भटकना मिट गई है। मेरा चित ना चलत, नहीं चलना, पता है चंचल दे अर्थ की ने, चल 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 हर वक्त ही चलता है, तन बैठा है तां भी मन चलता ही रहिंदा है, चंचल है, चल चल चलदा 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 रुकदा ही नहीं, कदे टिकदा ही नहीं। स्वामी रामानंद बसंत राग दा शब्द कहिंदे ने मन मेरा पिंगला हो गया। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो मंग। एक दिवस मन भई उमंग, गस चंदन चोआ बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। टिके होया मन सब कुछ समझ लेंदा है, भटकना जद मिट जाए। दो गल्लां धार्मिक जगत दे बिल्कुल गलत कहियां जांदियां ने, भई मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, गलत। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले कितों शुद्ध कर लोगे, किवें कर लोगे? फिर दूजी गल करदे ने मन नूं एकागर करके बाणी पढ़ो, यकीन जाणो इन्हां नूं मन दी समझ नहीं। इंज कहना चाहिए बाणी जपो ताकि मन एकागर होवे। पहले कितों एकागर हो जाएगा? जे मन नूं एकागर करके बाणी पढ़ो, बिल्कुल गलत। इन्हां लोकां नूं मन दी समझ ही नहीं है। बाणी जपो ताकि मन एकागर होवे, मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, हद हो गई। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे।
पहले किवें शुद्ध हो जाएगा, बिना सत्संग तो किवें जो है शुद्ध हो जाएगा। बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल भरी जे जियो, इतने मैला हो जाएगा उल्टा। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, कबीर कहिंदे ने पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण, ऐसा बाणी दा बाण लगे है पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो ठीक ही कीता होगा, जरूर इन्हां भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहिंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, कहिंदा जिहड़ा मेरा पैर टुट गया है ना, इस टुटे पैर का मेरे ते बड़ा एहसान है, मैं इसका एहसान मनदा जो मेरा पैर टुट गया। हद हो गई, पैर टुट गया तो टुटे पैर का एहसान शुकराना पिया करदा। अगे दसदा हो, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करम मैं बोल नहीं सकता, गूंगा समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिसमे ही भैये लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक सन तन रस आइये ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, हर दिल दे रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो गीत है, इनू हर सांस ते नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है, ये ओ गीत है, जिदे वास्ते विशेष वाजा चाहिदा, विशेष साज चाहिदा है। भाव हर दिल दे चे नगमा नहीं गूंजदा, पहले दिल दी बणतर बनानी पैंदी है, सत्संग कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होण दे निराश होण दे तीन कारण ने। पहला, बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नू बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखदे आ, पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जेदा नाम सिद्धार्थ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुर्दे असी भी देखते हैं, इक्को दिन एक लाश देखी हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखते हैं, ज़ईफ ज्यादा उम्र वाले असी 90 साल दे असी भी देखते हैं, उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखिया है, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इनू कहिंदे ने हिंदी संवेदना, ऐसे मनुख दे अंदर संवेदना बहुत आउंदी है, हर गल नू छोटी दी छोटी घटना नू भी बहुत वड्डे रूप दे च महसूस करता, संवेदना। असी भी देखते हैं बुढ़िया नू, असी भी देखते हैं बीमारां नू, खुद भी बीमार होंदे हैं, असी भी मुरदिया नू देखिया होवेगा, इक्को ही दफा देख के चोट लग गई। या तो अपनी अकल इतनी महान होवे मनुख अकल तो चोट खा जाए, तो अकल तो चोट खा के भी मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तीसरा, संसार तो कोई चोट लग जाए,
बहुत वड्डा धनाड़सी दिवालिया हो गया। बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है। बड़ी पद प्रतिष्ठा से शक्ति से कुछ भी नहीं रहा। ऐसी हालत विच भी दिल चोट खा जाता है और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होण दे निराश होण दे तीन कारण ने। प्रथम, गुरु का शब्द चोट कर जाए, सत्संगी होवे, श्रोता होवे। दूसरा, अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा, संसार तो कोई दुख बहुत वड्डे रूप में चोट कर जाए। हुण मैं इसनु इस तरह बयान करा, जो अजे तक पूर्ण तौर ते निराश नहीं, उदास नहीं, ये कोई गहरा सरोता नहीं कि इनु शब्द ने चोट कीती होवे। दूसरा, ये कोई इतना अकलमंद भी नहीं, गुस्ताखी माफ, कि इनु अपनी अकल ही चोट कर जाए। तीसरा, अजे संसार तो भी इसनु कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं ते मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। प्रथम सत्संग विच आउंदिया आउंदिया एक दिन शब्द चोट कर गया, उदास हो गया, निराश हो गया। अकल तो चोट खा के उदास हो गया, निराश हो गया। अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो ये संबंध में कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जैसे महाराज कहते ने, आवन जान एक खेल बनाया, अज्ञाकारी के नहीं माया। बहुत महान बारीक बेन मनुख नो सब तमाशा प्रतीत होता, खेल कुछ भी नहीं। कि लहरां बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, संसार बन रहा है, मिट रहा है, मनुख जम रहे ने, मर रहे ने, जीव जम रहे ने, मर रहे ने, तमाशा खेल। अकल महान होवे मनुख छेती उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, अकल तो चोट खा के। इस संबंध च भी मैं गालिब दी एक नजम थोड़े सामने रखा। वो कहिंदा है, बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की ये बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। टिफन बच्चे नू कहंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौणियां दी खेड। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात बच्चियां दा तमाशा हो रहा है, सवेरे खा लिया, शामी खा लिया, फिर सौ गया, फिर दूजे दिन फिर वही कुछ कीता है जो कुछ रोज करते हैं। सब कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, तख्ते सुलेमा नहीं सिंघासन, जेदे लई दुनिया कितने पापड़ बेल दी है। कोई पिंड दा चौधरी बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोकी बेलते हैं। कहते बच्चियां दा तमाशा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग, औरंग तख्त नू कहंदे ने, वड्डा तख्त उनू औरंग कहंदे ने, ऐ छोटा तख्त इनू मसनद कहंदे ने, मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 प्रचारकां नू इह मसनद बख्शिश कीती सी, मंजियां बख्शिश कीतियां सी। पंजाबी च असीं उहनां नू मसंद कहंदे आ, फारसी दा लफ़ज़ है शुद्ध मसनद, ऐ मसनद है। जिस ते धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, इनू फारसी दे च औरंग कहिंदे ने। वड्डा तख्त जिस ते बादशाह बैठे औरंग, छोटा तख्त जिस ते अहलकार बैठन मसनद। शाहजहां दा लड़का मयोदीन प्यो नू जेल दे च पा के ते तीन भरावां नू मार के जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। नाम वैसे उसका मयुनदीन सी,
शायद आपको पता होवे आदिकाल तो कवि लोग गुणी लोग दार्शनिक फिलोसफर राजे महाराजे बादशाह अपना तखल्लुस रखते रहे। तखल्लुस का मतलब है खास नाम, हिंदी च कहते उपनाम, कोई उपमा है गुणात्मक नाम, कोई गुण ने तो गुणात्मक नाम रखे है, तखल्लुस रखे है। जैसे हुमायूं का लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंघासन पर बैठा है उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। अकबर का मतलब है सब तो वड्डा, ताई मुसलमान कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने अपना लकब रखिया जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन ही सब तो वड्डा है। इत अकबर उसका तखल्लुस है। अकबर का लड़का शाहजादा सलीम जो जोधां बाई की कुख तो पैदा हुई सी, ते जोधां बाई राजा मान सिंह वालिए जयपुर की भैन से, ये राजपूत अपने धी भैणा दे डोले मुगलों को देन लग पे सन, जिदी अगां चल के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुखालफत की। राजा मान सिंह की भैन जोधां बाई ए बेगम से अकबर दे इहदी कुख तो पैदा होया शाहजादा सलीम, वड्डा होके जिस दिन सिंघासन ते बैठा है इन्हें अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का मतलब है सारा जहान मेरी पकड़ दे च, मेरी मुट्ठी च, जहांगीर। इसने गुरु अर्जन देव जी ने शहीद किया, कल गुरपुरब तुसी मनाना। इसने ही तरह तरह के तसइये ताए, इसने ही बहुत वड्डा जुल्म किया। दोगला से जोधां बाई का लड़का से, अकबर का लड़का से, तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का लड़का शाहजादा खुर्रम वक्त पाके जब सिंघासन ते बैठा है, तखत ते बैठा है, फिर इन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहे जहां। शाहजहां सारी दुनिया का बादशाह, निरा हिंदुस्तान का नहीं। तो शाहजहां का लड़का मुइनुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है इन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहते ने तखत नो वड्डा तखत, जेब कहते ने शिंगार नो। औरंगजेब तखत दा शिंगार, तखत दी शोभा, तखत दी माण मर्यादा, ये उसने अपना तखल्लुस रखिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जुर्रत जफरनामे दे राही लिखते ने औरंगजेब नो, न जेबन तुरा नाम औरंगजेब, के औरंगजेब न बायद फरेब, ऐ मुइनुद्दीन ए नाम तेनू शोभा नहीं देता, तू औरंगजेब नहीं है। तेरे जैसा बंदा जब तख्त पर बैठता है तख्त बदनाम हो जाता है, तख्त भ्रष्ट हो जाता है, तख्त मैला हो जाता है, तू औरंगजेब नहीं है। जुर्रत धन गुरु गोबिंद सिंह जी मान, तुरा तर्क ताजी ब मकरो रया, मरा चारा साजी ब सिदको सफा, न जेबत तो रा नाम औरंगजेब, के औरंगजेब न बायद फरेब, महा फरेबी है तो झूठा है, चलाक है। हमो मर्द बायद शबद सुखनवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर, तेरी जबान ते कुछ और है, तेरे दिल दे कुछ और है, तू ते मनुख ही नहीं है, तू ते इंसान ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ए जुर्रत उसनु जो है ऐसा आखे, औरंग वड्डा तख्त छोटा उन्हों मसनद कहते हैं, पंजाबी शब्द बन गया मसंद। जिन्होंने गुरु अमरदास जी महाराज ने मसनद बख्शी सी, मंजी बख्शी सी, तख्त बख्शिया सी, इन्हों की पूजा प्रतिष्ठा इतनी होई, संगत ने मान सम्मान इतना दिता, इन्हों को हजम ना होया। इन्होंने खुद गुरु होने का नारा लाया और भ्रष्ट हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अगां चल के ये मसंद प्रथा खत्म करनी पई। हुण मसंद का तो मतलब है जिन्हों तख्त मिले है, लेकिन सिख जगत दे अज गाल बन गई, किसी नूं गाल कढ़नी होवे तो कह दिता जाता है मसंद है, निरा ही मसंद है। लेकिन मसंद का मतलब है छोटा तख्त, जिससे बैठे हैं ये छोटा तख्त। गुरु अमरदास जी महाराज ने तख्त प्रचारकों के लिए बनवाए सन, बे संगत उच्ची थान पर बैठ के गुरबाणी की व्याख्या करन, गुरबाणी सुनान, ताकि संगतान दिखाई देन
ते संघ नूं इह देख सकन, संबोधन कर सकन, ते विचार दा, ज्ञान दा, गुरबाणी दा सन्मान होवे, सत्कार होवे। ये गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रथा जो है चलाई सी। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, गालिब कहिंदा एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक। ये औरंग ये बादशाह दा तख्त, बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है अज्जाज मसीहा मेरे आगे। हजरत ईसा दे मौजजे कथावां ने कि हजरत ईसा जिस बीमार दे सिर ते हथ रख देंदे सन, वो तंदुरुस्त हो जांदा सी।